तो यार आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ओपीटीपी के नया सदरन चिकन, इस तरह कुछ उनका आया फ्राइड चिकन, तो चेक करते हैं। तो भाई हमारे पास ओपीटीपी आ चुका हुआ है, अब देखते हैं। मैंने साथ इसके एक डिप मंगवाई है गार्लिक मेयो की, और साथ इन्होंने कुछ नैपकिन्स भेजे हैं, और लास्टली हमारे पास है जी बड़ी डिफरेंस इसकी स्मेल है। ये रहा जी आपका सदरन चिकन। अच्छा, इसकी जो स्मेल है वो ज़रा स्पाइसी सी है, मतलब इसको सिर्फ सूंघ ही बंदा बता देता है कि हाँ इसमें कुछ स्पाइसी होने वाला है। यार एक उन्होंने हमें विंग भेज दी है, मैं सोच रहा था कोई लेग पीस आएगा जिसमें से मैं यूँ बाइट ले सकूँगा यार, तो भाई एक थोड़ा सा मैंने पीस तोड़ा, देखते हैं क्या सीन है इसका। यार काफ़ी मज़ेदार है, चिकन जूसी है प्रॉपर, जो इसकी ऊपर कोटिंग है वो प्रॉपर क्रिस्पी है, और अंदर स्पाइसीनेस भी है हल्की सी, लेकिन इसका टेस्ट KFC के चिकन से काफ़ी मुख्तलिफ है। KFC का एक कंसिस्टेंट टेस्ट होता है जो कि उन्हें आपको उनके हर चिकन प्रोडक्ट में मिलेगा, इसके अंदर वो नहीं है। इसके अंदर लग रहा है इस तरह कोई गर्म मसाले वाली फील है, एक ज़रा पाकिस्तानी मिर्चों वाला इसके अंदर सिस्टम चल रहा है। खैर गार्लिक मेयो है मेरे पास, इसके अंदर डिप करके देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा वो मिर्चों वाला जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा उससे। इसको हम डिप करते हैं अभी इसके अंदर, लेट्स सी। अच्छा गार्लिक में उनकी मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इस बार ये मैंने जो चिकन खाया है इसमें वो वाली मुझे क्रंचीनेस नहीं फील हुई। यार मतलब चिकन इनका अच्छा है, लेकिन मुझे अगर मुझसे आप पूछो तो मुझे KFC का फ्राइड चिकन ज़्यादा मज़े का लगता है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर किसी ने KFC का चिकन ना खाया हो तो उसे ये काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन सही है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स KFC, लेकिन ऑल्टरनेट चाहिए नहीं ना, मसला ये KFC काफ़ी मज़े का है।